चुनावों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस विधायक धनराम चौंडिल सोलन के विकास कार्यों का जायजा लेने सोलन शहर की जनता के बीच पहुंचे। उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धनराम चौंडिल ने सोलन के गंज बाजार, माल रोड और टैंक रोड का दौरा किया और लोगों की परेशानियों और उनकी मांगों को भी सुना। चुनावों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस विधायक धनराम चौंडिल सोलन के विकास कार्यों का जायजा लेने सोलन शहर की जनता के बीच पहुंचे। उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धनराम चौंडिल ने सोलन के गज बाजार, माल रोड और टैंक रोड का दौरा किया और लोगों की परेशानियों और उनकी मांगों को भी सुना। उन्होंने कहा कि सोलन में कई ऐसे विकास के कार्य हैं जिन्हें नगर परिषद ने पूरा नहीं किया है। कुछ विभाग भी लोगों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्हें जल्द विकासात्मक कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। धनराम चौंडिल ने इस मौके पर कहा कि सोलन माल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क की हालत बेहद खस्ता है और यहां पर म्यूजिकल फाउंटेन काफी बरसों से बंद पड़ा है, जिसे नगर परिषद यहां से हटा रही है। वह चाहते हैं कि यहां ओपन एयर जिम लगे ताकि सभी उम्र के लोग इस जिम का फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि सोलन शहर में शौचालय की भी कमी है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, जल्द ही इसे दुरुस्त किया जाएगा। पीछे पूरे शहर के कोने से आरंभ कर रहे थे अपने यहाँ पर आना, जहाँ पर कहीं शौचालय की, कहीं कुछ और लोगों की समस्याएं थी, स्वच्छता की, पानी की, कहीं पर मैं समझता हूँ कि किसी के शॉप के आगे लोगों का छोटे छोटे स्कूटर और ऐसे वाहन खड़े करने की समस्याएं देखी। और जब इस पार्क में हम आए तो आधुनिक भारत के निर्माता और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को अच्छे रूप में ना देखकर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। इतना ज़्यादा ध्यान मेरा पहले कभी गया नहीं इधर, तो उसको तक लगभग वो खंडित सी हो गई है। बिल्कुल जी, उसे हम और इस पूरे पार्क को ही देखने के बाद ये लगता है कि भाई इसका जीर्णोद्धार करना जरूरी है। यहाँ दूसरी जो समस्या दिखी है वो ये है कि यहाँ जो ये म्यूजिकल फाउंटेन था, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और इसमें शायद हमारे कमेटी के सदस्यों ने और चेयरमैन साहब ने भी निर्णय हाउस की रिपोर्ट बनाई है, जिसमें शायद इसको बंद करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि हम यहाँ ये प्रपोज करते हैं कि यहाँ पे ओपन जिम जो लोगों की आम डिमांड है होना चाहिए, और हम इस तरफ बढ़ेंगे। यहाँ की जहाँ तो मैं अपने MLA लैड से जो आरम्भ कर दूँगा काम, परंतु मेरा जरूर यहाँ के उद्योग जगत से और यहाँ के व्यापारी वर्ग से भी हाथ जोड़ का विनम्र आग्रह रहेगा कि इसमें पूरा योगदान दें ताकि बच्चों के लिए एक अच्छी जगह बने। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।